तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सपोज अगर कोई एक्स वाई जेड पर्सन है वो रेजिग्नेशन पीरियड पे है और उस रेजिग्नेशन पीरियड में क्या कोई बंदा टर्मिनेट किया जा सकता है, क्या कोई टर्मिनेट हो सकता है, तो बेसिकली हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप जो पहला मेन कंसर्न ये है कि सपोज आप किसी कंपनी में वर्किंग हो, कोई AKBC कंपनी है वहाँ पे वर्किंग हो और आपने रेजिग्नेशन डाला और या पेपर डाला उस ऑर्गेनाइजेशन में। अब होगा क्या पेपर डालने के बाद कि आपका रेजिग्नेशन पीरियड कितना भी हो सकता है, वो 1 मंथ 2 मंथ्स या 3 मंथ्स वॉट एवर योर नोटिस पीरियड, तो वो क्या होगा फिर एक टाइम पे जाके वो कंप्लीट होगा। बट इन बिटवीन जैसे 1 महीने का है 15 दिन के बाद, 2 महीने का 30 दिन बाद आपका टर्मिनेशन आ गया, उस कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया आपको, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 ही केस होते हैं, 2 से 3 पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि रेजिग्नेशन में आपका टर्मिनेशन हो जाए। तो पहला केस क्या है, आपने रेजिग्नेशन डाला, आपने पेपर डाला एंड आपके 15 दिन हुए हैं और आपने क्या किया कि 16वें दिन कंपनी जाना बंद कर दिया या 20 दिन के बाद आपने कंपनी जाना बंद कर दिया, तो उस केस में आपका टर्मिनेशन मिल जाएगा क्योंकि आपने कंप्लीट नोटिस पीरियड सर्व नहीं किया। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आपकी कंपनी में कुछ आपने इलीगल कर दिया, किसी इलीगल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व हो गए, पॉज का केस लग गया, थेप का केस लग गया या मैनेजर से मिसबिहेव हो गया, इस केस में भी आपका जो डेजिग्नेशन है वो टर्मिनेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड थर्ड केस क्या होता है कि आप रिजाइन डाल के नोटिस पीरियड सर्व ही नहीं करना चाहते हो, आपने आज रिजाइन डाला और आप सोच रहे हो कल से नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना है या 2 दिन के बाद आपने क्या किया नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना, तो उस केस में भी आपका टर्मिनेशन हो जाता है। तो थर्ड वाले पॉइंट में आप क्या कर सकते हो, अगर नोटिस पीरियड इवन ये जो मैं बताने वाला हूँ तो ये तीनों ऑप्शंस के लिए वैलिड है, अगर आपको नोटिस पीरियड सर्व नहीं करना है अपार्ट फ्रॉम सेकेंड ऑप्शन की पॉज वगैरह के केस में। फर्स्ट एंड लास्ट केस में क्या हो सकता है कि आप कंपनी में नोटिस पीरियड बाई आउट कर सकते हो, तो अगर आपका 2 महीने का नोटिस पीरियड है आप 1 महीने सर्व करो, 1 महीने का बाई आउट कर लो। अब वो डिपेंड करता है, कंपनी में अलग अलग तरीके के बाई आउट ऑप्शन होते हैं, कोई आपकी कंप्लीट 1 महीने की सैलरी लेते हैं एंड कोई आपसे बेसिक सैलरी लेते हैं नोटिस पीरियड को बाई आउट करने के लिए, तो ये ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हो। बट हाँ, रेजिग्नेशन टाइम में आपका टर्मिनेशन भी हो सकता है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपका कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। एंड अगर आप मेरे से 1-to-1 बात करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पे मुझे हाई कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा, बट वहाँ पे चार्जेबल कॉल होती है 199। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।